नमस्ते और हेलो सभी को। क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गई है, काफ़ी लोगों के घर में लहसुन प्याज बंद हो जाते हैं, काफ़ी लोग उपवास करते हैं, तो ऐसे समय का सेवियर होता है साबूदाना। तो चलिए बनाते हैं साबूदाने से बनने वाली टेस्टी डिश, साबूदाना वड़ा। तो किचन में लगाइए अपना मनपसंद गाना और शुरू करते हैं खाना बनाना। तो शुरुआत करते हैं हम रेसिपी के मेन लीड से, साबूदाना। ये छोटा वाला साबूदाना है क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था, जो अवेलेबल है उसी से बना, कोविड के कारण जनहित में जारी। इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है, 1 कप साबूदाना, 1 कप पानी। अब इसे ढक कर फूलने दें। 4 घंटे फूलने बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। बीच बीच में चलाया भी था हमने ताकि सारे साबूदाने बराबरी से पानी में डूबे रहें। छोटा वाला साबूदाना कम टाइम लेता है, बड़े वाले को आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स पर। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 3 मीडियम साइज के आलू, सेंधा नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा पाउडर और नींबू। और भी है, ये सारी चीज ऑप्शनल है, पर टेस्ट में काफी डिफरेंस लाते हैं, अगर है तो जरूर डालें। इसमें जाएगी रोस्ट की हुई मूंगफली, धनिया, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, अगर आप तीखा खाते हैं तो, मुझे तीखा बहुत पसंद है, और करी पत्ता। धनिया पत्ता और करी पत्ता भी काट लें। आलू मैश कर लें। अब मूंगफली और अदरक को छील के क्रश कर लें। आप मिक्सर का भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें कुची हुई मूंगफली दरदरी रहती है और ज्यादा टेस्टी भी लगती है। इन सभी को मिक्स कर लें। अब सभी को अपने मन हिसाब से शेप दें। आपको राउंड मन है राउंड बनाए, टिक्की मन है टिक्की बनाए, दिल मन है दिल बनाए, टायर बनाना है टायर बनाए। ये जो प्रोसेस है, इसे सिर्फ बड़े न करें, किसी की लाइफ में नहीं। हमें इसे तलना है। याद रहे, वड़ा ऊपर से क्रंची रहता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, तो आज रहेगा मीडियम हाई। ज्यादा पकाएंगे अंदर तक पक जाएगा, फिर बिल्कुल पत्थर लगेगा। और जैसे ही ब्राउन हो, निकाल कर कम कम सर्व करें। तो हमारा साबूदाना वड़ा रेडी है। अब इसके साथ हरी चटनी हो जाए तो ओए होए। तो बस हो गया आपका उपवास वाला स्नैक्स दिया। आप इसे नवरात्रि में जरूर बनाएं और चटकारे मार के खाएं। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एंजॉय।